भारत और न्यूजीलैंड के बीच 16 अक्टूबर से 3 टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। सिलेक्शन कमेटी ने इस बार उसी स्क्वाड को चुना जिसने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की थी। हालांकि सिर्फ एक खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप किया गया, लेकिन उसकी जगह किसी को नहीं चुना गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अगले हफ्ते से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 16 अक्टूबर से 3 टेस्ट मैच की सीरीज शुरू हो रही है, जिसके लिए बोर्ड ने शुक्रवार को 11 अक्टूबर को 15 सदस्यों वाले स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करने वाले स्क्वाड को ही बरकरार रखा है, यानी स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अभी भी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और उनकी वापसी में अभी और वक्त लगेगा। वहीं सेलेक्टर्स ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जसप्रीत बुमराह को टीम का वाइस कैप्टन नियुक्त किया है। सीरीज शुरू होने से करीब 4 दिन पहले बीसीसीआई ने शुक्रवार की देर रात स्क्वाड का ऐलान किया। हालांकि पिछली सीरीज के नतीजे और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद ये साफ ही लग रहा था कि इस बार स्क्वाड में शायद ही कोई बदलाव होगा। सिलेक्शन कमेटी ने भी इसी सोच को बरकरार रखा और टीम में स्थिरता बनाए रखते हुए उन्हीं खिलाड़ियों को चुना। हालांकि पिछली सीरीज के लिए टीम का हिस्सा रहे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल को इस सीरीज के लिए नहीं चुना गया। उन्हें डेब्यू किए बिना ही ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि उनके बदले किसी दूसरे गेंदबाज को भी शामिल नहीं किया गया। इस ऐलान में सबसे बड़ी खबर उपकप्तान के नाम की मुहर है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किसी को भी उपकप्तान नियुक्त नहीं किया था, लेकिन अब बोर्ड ने इसे लेकर उठ रहे सवालों का अंत कर दिया है। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ही इस सीरीज में टीम के उपकप्तान होंगे। बुमराह को इससे पहले भी ये जिम्मेदारी मिल चुकी है और यहां तक कि 2022 में रोहित शर्मा की बीमारी के बाद इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट में उन्होंने कप्तानी भी की थी। सिलेक्शन कमेटी का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले ही ये रिपोर्ट आई थी कि नवंबर में होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कप्तान रोहित पहले या फिर दूसरे टेस्ट से बाहर बैठ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे थे कि उनकी जगह कप्तानी कौन करेगा। अब बीसीसीआई ने इशारा कर दिया है कि बुमराह ही ऑस्ट्रेलिया में ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। इसके अलावा स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर उठ रहे सवाल एक बार फिर गंभीर हो गए। पहले माना जा रहा था कि शमी रणजी ट्रॉफी से क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे या तीसरे टेस्ट में उन्हें मौका मिल सकता है, लेकिन 11 अक्टूबर से ही रणजी ट्रॉफी सीजन की शुरुआत हो गई, जिसमें शमी को बंगाल की टीम में जगह नहीं मिली। वहीं बोर्ड ने तीनों टेस्ट के लिए एक साथ टीम का ऐलान कर ये भी संकेत दे दिए कि शमी फिलहाल इस सीरीज के लिए भी फिट नहीं है। ऐसे में फिर टीम इंडिया के लिए ये टेंशन बढ़ गई है कि क्या शमी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए फिट हो पाएंगे। वहीं T20 सीरीज में अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने वाले तेज गेंदबाज मयंक यादव और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर शामिल किया गया। इन दोनों के अलावा पेसर प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा भी रिजर्व में हैं। टीम इंडिया का स्क्वाड कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। रिजर्व में मयंक यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा।